जीवन के हैं तीन पहलू। अच्छा। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन हमने मस्ती में बताया। अच्छा। जवानी हमने मस्ती में बताई और बुढ़ापे में आ गई दवाई। 18 के होते ही मुझे मिल गई बाइक और मिल गया मोबाइल। अच्छा। एक और चीज मिली भाई, मिला मुझे वोटिंग का अधिकार। अच्छा। लेकिन क्या मैंने समझी इस बात की गहराई? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं खास आदमी पार्टी का उम्मीदवार। मैं महिलाओं को सुरक्षा दूंगा और गरीबी का जल से मिटा दूंगा। गरीबी को या गरीबों को? और भ्रष्टाचार को जल से मिटा दूंगा। जी नेताजी, जैसे फाइल में से घोटाले। मैं राज करने नहीं, सेवा करने आया हूँ। साथ ही कृपया इस बार मुझे आपकी सेवा करने का मौका दें और कृपया करके आपके कीमती वोट मुझे ही दें। वोट वोट नेताजी, वोट वोट नेताजी, वोट वोट नेताजी। सर करके मेरा सर खाई के सर, उस लड़की ने हमें छेड़ा। तो मैं क्या करूँ इसमें सर? उसने आपके सामने हमें छेड़ा और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लड़का लड़की को नहीं छेड़ेगा और किसको छेड़ेगा? पता है वो किसका छोरा है? हाँ सर, मैं जानती हूँ वो किसका छोरा है। वो एमएलए का बेटा है। बस तो मुझे मेरी नौकरी पे आ रही है। अब हम क्या करेंगे? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिछली बार इलेक्शन में एमएलए सर ने हमसे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कहा था, हम उनसे अपनी मदद की वकालत करते हैं। सर जी, हाँ, आपकी क्या प्रॉब्लम है? क्या सेवा कर सकता हूँ? सर हमें एक लड़की ने छेड़ा है। तो आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस है, तो मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना करें, मेरे पास बहुत काम है। सर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है और उन्होंने हमें आपके पास भेजा। तो आप पुलिस से बात करिए, मुझसे प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं आपसे बोल रहा हूँ। सर वो आपका ही बेटा है। तो आप ऐसे कपड़े पहनोगी तो मेरा बेटा छेड़ेगा ही। तो इसमें प्लीज मेरी बेटी की क्या ना करें, मैं बहुत काम। नारी को ना समझो बेचारी, अब है मेरे वोट की बारी। अब है मेरे वोट की बारी। हेलो, हाँ अच्छा कम बीए में फर्स्ट, एमए भी की है। अच्छा हाँ, हेलो, हाँ आपकी बेटी आ रही है? हाँ तो भेजिए उसको, मैं ऑफिस में ही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मिलते हैं शाम को पार्टी में। मैं कम इन सर? कम बोलियो, कैसे आना हुआ? खाना नो थैंक सर, आपका अपॉइंटमेंट बाहर आ जाएगा, आप बाहर। ओके सर, मेरी नौकरी? क्या नौकरी, सिफारिश है, पैसे हैं तो काय की नौकरी लो। पढ़ लिख के आई नौकरी की वारी, इसमें ही पड़ गई राजनीति भारी। बहुत बहुत हुआ भ्रष्टाचार तुम्हारा, अब है मेरे वोट की वारी।
तो देखा आप सभी ने, सही उम्मीदवार ना चुनने से और सही जगह वोट ना डालने से आप आम जनता को कितनी परेशानी झेलने पड़ती है। बस बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब अपने वोट की बारी, अपने मतदान का सही उपयोग करें और सही जगह वोट डालें।